और बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर रहेंगे। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। घाटशिला में जनसभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के समर्थन में प्रधानमंत्री रैली करेंगे और इस दौरान एनडीए के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, विद्युत वरण महतो के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और एनडीए के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए, लगातार एनडीए के स्टार प्रचारक झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, चुनावी सभा उनकी तरफ से की जा रही है और आज पीएम मोदी जमशेदपुर में चुनावी रैली करेंगे, क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रश्मि, जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है और जनता से यही अपील होगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मत जो है वो एनडीए प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को दे, यानी कि कमल फूल जो है वो खिलाया जा सके। देखिए 2019 में भी विद्युत वरण महतो यहाँ के प्रत्याशी रहे थे, उनकी जीत भी हुई थी, यानी कि पुनः एक बार केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में इस बार भी कैसे झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिल सके, इसके लिए लगातार नेताओं का दौरा हो रहा है। हालांकि 4 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं लेकिन अभी भी 10 सीटों पर चुनाव होने बाकी है और ऐसे में लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा होना, स्टार प्रचारकों का दौरा होना, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात की जाए या फिर अमित शाह की बात की जाए, राजनाथ सिंह की बात की जाए या अन्य राज्य जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री की बात की जाए, वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और जनसभाएं हो रही हैं, जनसंपर्क किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा कैसे एनडीए के समर्थन में, यानी कि 13 कमल के फूल और एक फल, यानी कि आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी की, यानी कि 14 लोकसभा सीटों को कैसे साधा जाए, इसके लिए पूरी रणनीति के तहत जो भाजपा नेता है वो कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आगमन होता है तो भाजपा नेता कार्यकर्ता तो उत्साहित रहते ही है, साथ ही जनता में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है और यही वजह है कि कार्यक्रम स्थल पर जो हजारों हजार की संख्या में भीड़ है वो जाती हुई दिख रही है। और 10:50 में, यानी कि 10:50 पर उनका आगमन होगा, हेलीपैड बनाया गया है कार्यक्रम स्थल के नजदीक में ही, और उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, यानी कि मंच पर पहुंचेंगे, 40 मिनट तक वो जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल रुचि, कौन कौन से एनडीए के बड़े नेता अभी पहुंच चुके हैं? देखिए रश्मि, जो एनडीए के कई बड़े नेता प्रदेश स्तर के नेताओं की उपस्थिति वहां रहने वाली है। सबसे पहले तो विद्युत वरण महतो जो वर्तमान में सांसद भी हैं और देखिए वो प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसे में और प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी की बात की जाए और कई नेताओं की उपस्थिति वहां पर देखी जा रही है। हालांकि अभी जो है तैयारी कार्यक्रम शुरू होने में कुछ देर बाकी है, कुछ मिनट बाकी है और ऐसे में एक उत्साह जो है नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो उनमें देखने को मिल रहा है। एक विशाल जनसभा जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई है, तो देखना होगा रश्मि कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है तो वो संबोधन में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो है वो कहते हैं, क्योंकि इससे पहले वो 3 बार उनका आगमन हो चुका है, चौथा बार यह, क्योंकि जब से चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें ये चौथी बार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। पिछले 11 दिनों में ये 3 बार दौरा कर चुके हैं और लगभग ज्यादा से ज्यादा इनकी जनसभाएं भी हुई है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए आज बड़ा दिन है। और चूंकि जब भी इनका संबोधन हुआ है तो ये सरकार पर भी हावी होते हुए दिखे हैं, यानी कि इंडी गठबंधन पर भी हावी होते हुए दिखे हैं, तो इस बार उनके संबोधन में क्या कुछ रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, विद्युत वरण महतो के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का आगमन होना है।